हेलो गाइस, आज अपन लोग गाड़ी का गियर इंडिकेटर जो न्यूट्रल गियर वगैरह जो बताता है ना, वो अपन आज चेंज करेंगे। टीवीएस में एक यही ख़राबी है भाई कि उसका गियर इंडिकेटर नहीं बताता है, वो कभी भी ख़राब हो जाता है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अपनी न्यूट्रल में बता रही हूँ, अब आप लोग को चेंज करके दिखाता हूँ। ये मैंने फर्स्ट गियर में डाला, उसके बाद भी न्यूट्रल बता रही है गाड़ी। अब ये देखो, टायर नहीं घूमेगा। भाई टायर नहीं घूमेगा, लेकिन गाड़ी न्यूट्रल है। और ये सेंसर आया, मैंने लिया हूँ 726 रुपए का भाई, टीवीएस का ओरिजिनल। ये देखो, इसको अपन तो आज घर ही में कनेक्ट करेंगे, अब देखते हैं क्या इसका रहता है। इसका सेंसर भाई इंजन के यहाँ पे लगे रहता है, यहाँ पर। सबसे पहले अपन ये पैनल खोलेंगे, सीट खोलेंगे, पैनल खोलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सेंसर इसका। चलिए फटाफट खोलते हैं अपन इसको। ये भाई जिस सेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके वजह से न्यूट्रल नहीं बता रहा है, सॉरी न्यूट्रल है, गियर गियर में नहीं बता रही है गाड़ी। ये कहाँ है, ये है। अपन को ये चीज़ चेंज करना है। चलिए फटाफट अब इसको अपन खोलते हैं। ये देखिए इधर पे कितना ऑयल है, इसी की प्रॉब्लम है। ये है भाई, ये चीज़ है भाई, गैर सेंसर, गैर शिफ्टर सेंसर ये है। और ये लगता है यहाँ पर, ये यहाँ पर लगता है, और ये अपन लगा रहे हैं नया वाला। ये पुराना BS4 का नहीं पता मुझे, ये है BS6 का। फटाफट अपन इसको अब लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। भाई अभी अपन ने यहाँ से
दिख रहा होगा शायद आप लोग को। यहाँ से मैंने अभी उसमें बोल्ट नहीं लगाए हैं, ऐसे सिर्फ फंसाया हूँ। चलिए देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए अभी नूडल बता रहा है, अपने यहाँ से गियर चेंज करते हैं। ये डाले अपन ने, काम कर रहा है भाई। चलो अपन इसको फटाफट पैक करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी चला कर देखते हैं कि अभी भी काम कर रहा है या नहीं। भाई अभी अपन ने यहाँ से दिख रहा होगा शायद आप लोग को, यहाँ से मैंने अभी उसमें बोल्ट नहीं लगाए हैं, ऐसे सिर्फ फंसाया हूँ। चलिए देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए अभी नूडल बता रहा है, अपने यहाँ से गियर चेंज करते हैं। ये डाले अपन ने, काम कर रहा है भाई। चलो अपन इसको फटाफट पैक करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी चला कर देखते हैं।